हेलो अस्सलाम वालेकुम. टुडे वी विल लर्न लेसन नंबर 8 मिसेस दिनशा फ्रॉम क्लास 4th इंग्लिश वर्कबुक. व्हाई डोंट यू प्ले विथ अस, आसिफ एंड हिज फ्रेंड्स आस्क्ड निदा. आसिफ और उनके दोस्तों ने निदा से कहा कि तुम हमारे साथ क्यों नहीं खेलती. निदा शुक हर हेड. आई एम गोइंग टू द टेरेस टू ड्रॉ सम पिक्चर्स. निदा ने अपना सर हिलाया और कहा मैं टेरेस पर जा रही हूँ, छत पर जा रही हूँ कुछ तस्वीरें बनाने के लिए. टू द टेरेस, छत पर. ओह नो, नहीं. दे सेड इन द चोरस, सब ने इकट्ठे कहा भाई नहीं जाना, ऊपर मत जाना. मिसेस दिनशा विल शाउट एट यू, मिसेस दिनशा तुम पर चिल्लाएंगी. शी हैज चिल्ड्रन, वो बच्चों से नफरत करती हैं. व्हेन दे लेफ्ट, जब वो चले गए. निदा प्लग डब करेज, निदा ने हिम्मत जुटाई और क्लाइम्ब्ड द स्टेयर्स, वो सीढ़ियाँ चढ़ गई, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर पहुँच गई. द डोर टू द टेरेस वॉज हाफ ओपन, जो छत का दरवाज़ा था वो आधा खुला हुआ था. शी कुड सी एन ओल्ड वूमेन, वहाँ पर उसने एक बुरी औरत को देखा. सिटिंग ऑन अ डेक चेयर सराउंडेड बाय बर्ड्स, उसने एक और बूढ़ी औरत को देखा जिसके चारों तरफ परिंदे थे. देयर वर स्पैरोज, वहाँ पे चिड़िया, ब्लू जेस, मैनास, बुलबुल्स, कबूतर और भी बहुत सारे दूसरे परिंदे थे. हैप्पीली पेकिंग एट द ग्रेन्स ऑफ राइस एंड ब्रेड क्रम्स ऑन द ग्राउंड, जो के चावल के दाने और डबरटी का चूरा वगैरह जो थे वो ज़मीन से उठा उठा कर खा रहे थे. निदा है हाइड हर सेल्फ बिहाइंड अ बिग पॉट, निदा अपने आप को, निदा छुप जाती है एक बड़े से पॉट के पीछे. पिक द फर स्केच पैड, और अपना स्केच पेड उठाती है. एंड स्टार्टेड ड्राइंग, और फिर शुरू कर देती है ड्राइंग करना. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह निदा वेंट टू द टेरेस अगेन, निदा छत पे दोबारा जाती है. मिसेस दिनशा वॉज ऑलरेडी देयर, मिसेस दिनशा वहाँ पहले से ही मौजूद थी. सराउंडेड बाय हर फेदर फ्रेंड्स, अपने परिंदों के साथ, परिंदे दोस्तों के साथ. निदा है हाइड बिहाइंड द पॉट एंड कंटिन्यूड विद हर ड्राइंग, निदा दोबारा पीछे पॉट के पीछे छिप जाती है और अपनी ड्राइंग करना शुरू कर देती है. बाय द फिफ्थ डे, पाँचवें दिन निदा ड्राइंग वॉज कम्प्लीट, निदा की जो ड्राइंग है वो पूरी हो जाती है. शी एडमायर्ड हर क्रिएशन, वो अपनी तस्वीर की खुद ही तारीफ करती है और कहती है इफ़ ओनली आई कुड प्रेजेंट इट टू द मिसेस दिनशा, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं ये मिसेस दिनशा को गिफ्ट करूँ. शी साइड, शी वॉज स्टिल टू स्केयर्ड, उसने सोचा लेकिन वो फिर भी डरी हुई थी. टू मीट हर, उससे मिलने से वो डर रही थी. हाउ कुड समवन हु लव्स बर्ड्स हैव चिल्ड्रन, वंडर निदा. निदा को हैरानी होती है कि कैसे एक शख्स जिसको परिंदों से प्यार है वो बच्चों से नफरत कैसे कर सकता है. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, व्हेन शी वेंट टू द टेरेस, जब वो छत पे पहुंची, द डेक चेयर वॉज empty, वो जो चेयर थी, वो जो कुर्सी थी वो खाली थी. एंड सो वर द बाउल्स, और बाउल्स भी खाली थे. देयर वॉज नो बर्ड फीड ऑन द फ्लोर, और ज़मीन पे एक भी परिंदा नहीं था. निदा रैन डाउन स्टेयर्स एंड क्विकली रिटर्न विद अ जग फुल ऑफ वाटर, निदा जल्दी से भाग कर नीचे गई और वो जल्दी से एक पानी से भरा हुआ जग लेकर आई. एंड अ बाउल ऑफ राइस, और चावलों से भरा हुआ प्याला लेकर आई. एज शी सेट द राइस एंड वाटर डाउन, और फिर उसने चावल और पानी नीचे रख दिया. द बर्ड्स हैप्पीली गैदर्ड अराउंड, फिर सारे परिंदे जमा हुए. अ ब्रॉड स्माइल लाइट अप निदास फेस, और फिर निदा के चेहरे पर एक बड़ी सी हंसी जो है वो आ गई. द नेक्स्ट मॉर्निंग अगेन, फिर अगली सुबह, मिसेस दिनशा वॉज नॉट देयर, मिसेस दिनशा दोबारा वहाँ नहीं थी. निदा स्कैटर्ड द राइस एंड फिल्ड द बाउल्स, निदा ने दोबारा राइस का, चावल का बाउल, प्याला और पानी भर के वहाँ रख दिया. ऑन द थर्ड मॉर्निंग, फिर तीसरी सुबह भी मिसेस दिनशा वहाँ नहीं थी. निदा वहाँ बैठ गई और डेक चेयर पर बैठ गई. अ स्मॉल बर्ड हॉप्ड अप एंड सेटल्ड ऑन हर लैप, एक छोटा सा परिंदा उसके गोद पर बैठ गया. Then another followed and sat on her head, और फिर एक और उसके सर के ऊपर बैठ गया. निदा was very happy, निदा बहुत खुश थी. She closed her eyes and relaxed, फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वो आराम करने लगी. Who is there, कौन है यहाँ. At the sound of voice, निदा jumped out of the chair, आवाज़ सुनते ही निदा चेयर से भाग खड़ी हो गई, जंप लगाती है. And she saw an old woman standing at the door, उसने एक बूढ़ी औरत को दरवाजे पर खड़ा देखा.
Who are you? Mrs. Dinsha asked. Mrs. Dinsha ने पूछा तुम कौन हो? I am Nida. मैं निदा हूँ. I live on the sixth floor. मैं छठी फ्लोर छठी मंजिल पर रहती हूँ. After a pause, थोड़ी देर के बाद she added the birds were hungry and thirsty. जो परिंदे थे वो भूखे और प्यासे थे. So I gave them food and water. इसलिए मैंने उनको खाना और पानी दिया. Mrs. Dinsha slowly walked towards her. Mrs. Dinsha आहिस्ता से उसके पास आई. निदा क्लोज हर आइज. निदा ने अपनी आंखें बंद कर ली. ही प्रिपेयर हर सेल्फ फॉर मिसेस डिनशा शाउटिंग, क्योंकि वो उसको समझ रही थी कि मिसेस डिनशा मेरे पास आएंगी और चिल्लाएंगी. इंस्टेड लेकिन मिसेस डिनशा ने क्या किया, शी हर्ड अ सॉफ्ट विस्पर. उसने प्यार भरे अंदाज में कहा, थैंक्स फॉर टेकिंग केयर ऑफ माई फ्रेंड्स वाइल आई वॉज अवे. तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों का ख्याल रखने का जब मैं यहाँ नहीं थी. नॉट सिंपली स्टेयर्ड एट हर. वो उसे नहीं घूर रही थी निदा को. यू लव बर्ड्स, तुम परिंदे पसंद है. देन वाई यू डोंट डू हेट चिल्ड्रन, आपको परिंदे पसंद है तो आप बच्चों से नफरत क्यों करती हैं, निदा ने पूछा. हेट चिल्ड्रन, बच्चों से नफरत. मिसेस डिनशा ब्रोक इन टू लाफ्टर. फिर वो हंस पड़ी. और आई नो हुज बीन टॉकिंग टू यू अबाउट मी. हाँ, पर मुझे पता है कि तुम्हें ये किसने कहा है. शी कंटिन्यूड, उन्होंने कहा, आई डोंट लाइक दोज किड्स, मुझे वो बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं. दे डोंट लाइक बर्ड, जिनको परिंदे पसंद नहीं. आई लव चिल्ड्रन, चिल्ड्रन लाइक यू, मुझे बच्चे पसंद हैं, तुम्हारी जैसे बच्चे.